नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल बाय HL सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों की इससे पहले जो हमारी क्लासें हो रही थी वो ऐप पर हो रही थी, लेकिन अभी कुछ पर्सनल कारण की वजह से या कोई और प्रॉब्लम होने की वजह से मैं क्लासें ऐप पर नहीं ले पा रहा हूँ। तो अभी जो कुछ क्लासें होंगी आपकी वो सारी YouTube पर होंगी, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था उसी पिछले टॉपिक को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट टाइम पे। जो हम चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों फ्लिप फ्लॉप के बारे में। जो लास्ट चर्चा थी हमारी वो चर्चा थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत फ्लिप फ्लॉप के बारे में चर्चा कर रहे थे, और कुछ फ्लिप फ्लॉप्स की चर्चा हम कर चुके थे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फिर से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ आप दो लोगों को कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप वास्तविकता में एक 1 बिट स्टोरेज डिवाइस होती है, 1 बिट को स्टोर करने वाली युक्ति होती है। तो दोबारा से मैं लिख देता हूं कि फ्लिप फ्लॉप दोस्त अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठे समय खराब ना करें, है ना। तो फ्लिप फ्लॉप एक 1 बिट, कितनी बिट, 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है। 1 बिट स्टोरेज डिवाइस का तात्पर्य यह है कि यह 1 बिट को स्टोर करने का कार्य करती है। तो फ्लिप फ्लॉप एक 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है। ये बात मैं आपको SRTC ऐप पर जो आपकी क्लास हुई थी वहाँ पर भी बता दी थी, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। और हमने विभिन्न प्रकार के फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे जिनमें हम चर्चा कर चुके थे मेरे प्यारे दोस्तों, SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। और SR फ्लिप फ्लॉप की जो चर्चा है उसको मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि SR फ्लिप फ्लॉप में वास्तविकता में था क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों SR फ्लिप फ्लॉप, और उसकी भी मैंने बात की थी क्लोक्ड SR फ्लिप फ्लॉप, कहने का मतलब यहाँ पर हमने क्या दी है, एक क्लोक पल्स प्रदान की है। क्लोक पल्स, जब शॉर्ट में बोलते हैं क्लोक को CLK, तो एक क्लोक पल्स प्रदान की है। और ये टर्मिनल है S और ये टर्मिनल है R। मैंने आपको बताया था कि इस SR फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। क्या नाम बताया मैंने आप लोगों को कि इस SR फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, जिस पर S और R दो तो ये इनपुट हो गए और इसके दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं, एक होता है Q और दूसरा वाला होता है Q बार। मतलब एक ओरिजिनल है तो दूसरा इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हमें प्राप्त होता है। S और R दो इनपुट थे और इसके सापेक्ष ये दो आउटपुट है, एक ओरिजिनल Q और दूसरा है Q' मतलब Q बार। मतलब ये ओरिजिनल और ये इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये 0 है तो ये होगा 1 और यदि ये 1 है तो ये क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों इसकी हम टेबल भी आपको दिखा देते हैं कि हमने लास्ट टाइम पे चर्चा क्या की थी, उस टेबल की भी बात हम करेंगे। तो ये S है और ये R है। और अब मैं बात करता हूँ कि मेरी अगली स्टेज का, मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी कि जैसे कि मैं आप लोगों से बोलना चाहूँ कि QN क्या है, तो QN का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट, कि वर्तमान में क्या स्थिति है। और QN-1 का मतलब होता है पहले वाली स्टेज, मतलब पास्ट स्टेज या प्रीवियस स्टेट। और यदि मैं बोलूं QN+1 तो इसका मतलब हो गई कौन सी, नेक्स्ट स्टेट। तो हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे कि भाई प्रेजेंट में क्या हो रहा है और नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, मतलब आने वाली स्टेट क्या होगी। तो यहाँ पर इनपुट की 4 संभावना बनती हैं, 00, 01 और 10, और लास्ट वाली जो स्थिति बनती है वो आती है 11 की। तो दोस्तों अगर सेट, मतलब यदि S=1 है तो इसका मतलब सेट, और सेट बराबर एक होने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो आउटपुट आएगा नेक्स्ट स्टेज में वो कितना आएगा, 1 आएगा। और रीसेट का मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 0। तो जब R का मान 1 आएगा तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास में कितनी आएगी, 0 प्राप्त होगी। भाई हम सभी लोग जानते हैं कि सेट का मतलब होता है 1 और रीसेट वर्ड का मतलब होता है 0। तो दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि
सेट का मतलब कितना आएगा वन, और रीसेट का मतलब आउटपुट क्या आएगा जीरो। हम बोलते हैं ना कि फोन को रीसेट कर दिया, ओरिजिनल बना दिया है। सेट का मतलब वन, रीसेट का मतलब जीरो, इनिशियल स्टेज में लेके आ गए। तो दोस्तों जब हमारे एस आर फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट क्या होते हैं जीरो जीरो होते हैं, तो दोनों इनपुट जीरो जीरो होने का मतलब ये है कि जो हमारी स्टेट पहले थी, अगर पहले हमारे पास में आउटपुट जीरो था तो आउटपुट क्या आएगा जीरो आएगा, अगर यदि पहले आउटपुट वन था तो आउटपुट कितना आएगा वन आएगा। कहने का मतलब अगर यदि पहले स्टेट क्यू एन थी तो अब कितनी प्राप्त होगी क्यू एन ही प्राप्त होगी, मतलब जीरो है तो जीरो और वन है तो वन। इसलिए इस स्थिति को कहा जाता है होल्ड वाली स्थिति। कौन सी स्थिति कहते हैं होल्ड वाली स्थिति। तो होल्ड वाली स्थिति शब्द का तात्पर्य यह है कि जब एस और आर दोनों इनपुट जीरो जीरो होते हैं तो हमारी अगली स्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो पुरानी स्टेट है वो वैसी की वैसी बनी रहती है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर रीसेट पर कितना आ जाए वन तो हमारी आउटपुट क्या प्राप्त होगा जीरो। तो जब रीसेट पर वन आ जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा जीरो, और जब सेट पर वन आ जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा एक। तो जीरो आने का मतलब हमने सिस्टम को क्या कर दिया है रीसेट, और वन आने का मतलब हमने सिस्टम को क्या कर दिया है सेट। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि अगर एस पर भी वन और आर पर भी वन आ जाए तो क्या करें। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर आर पर वन आ रहा है इसका मतलब आउटपुट क्या होना चाहिए जीरो, और हमने क्या बोला एस पर यदि इनपुट एक आ रहा है तो आउटपुट कितना आना चाहिए वन। तो आपको क्या कंडीशन दिख रही है एस पर भी वन है और आर पर भी वन है, तो अब ये करे तो क्या करे कि जीरो करे कि वन करे, जीरो करे कि वन करे। भाई रीसेट कहता है कि जीरो कर और सेट कहता है कि वन कर, तो अब ये करे तो क्या करे। इसलिए क्या बोलते था कि भैया मेरी बस की बात नहीं है इस स्थिति को बता पाना, अर्थात इस स्थिति को कहते हैं इनवैलिड स्टेट। क्या कहा जाता है इनवैलिड स्टेट। एग्जाम में ज्यादा पूछी जाने वाली बात यही है कि जब एस आर फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट वन होते हैं तो उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, तो इनवैलिड स्टेट दिखाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यदि एस पर एक मिलेगा तो आउटपुट कितना आना चाहिए एक, और आर पर एक मिले तो आउटपुट क्या आना चाहिए जीरो। तो यहां पर तो दोनों स्थिति आ गई, तो क्या है आउटपुट जीरो देगा नहीं, क्या आउटपुट एक देगा नहीं। अब दे तो क्या दे, इसलिए इसने क्या बोल दिया कि मेरी बस की बात नहीं है, तो उसने क्या कह दिया कि यह स्थिति कौन सी है इनवैलिड स्टेट। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की कमी क्या रह गई कि जब इसमें दोनों इनपुट वन वन होते हैं तो इनवैलिड स्थिति प्राप्त होती है। जीरो जीरो पे होल्ड रखता है वन, आर की जगह वन आएगा तो रीसेट, और एस की जगह वन आएगा तो सेट कर देता है। ये वाली क्लास हमने जब ऐप पर ली थी तब मैंने यहां तक की चर्चा कर दी थी। फिर भी कोई विद्यार्थी को कोई डाउट रह गया तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आप यहां से इन बातों को उतार सकते हो, या फिर आपके पास में यहां फैसिलिटी है ऐप पर, ये फैसिलिटी नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ले सके, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्लिप फ्लॉप होती क्या है वन बिट स्टोरेज डिवाइस होती है, और फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले जो हमने बात की थी वो कौन से फ्लिप फ्लॉप की बात की है क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक्ड का मतलब क्या है कि ये फ्लिप फ्लॉप तभी काम करेगा जब इसके इनपुट पर क्या दी जाए एक पल्स दी जाए, और मैंने बोला था कि ये क्लॉक पल्स कैसी हो सकती है, या तो ये कैसी होगी स्क्वायर वेव, या तो कैसी होगी ये स्क्वायर वेव, या तो वर्गाकार तरंग होती है या फिर कैसी होती है ये आयताकार तरंग होती है। एग्जाम में पूछे तो इसका जवाब लगना चाहिए, अगर ऑप्शन में आयताकार भी दिखे और वर्गाकार भी दिखे तो ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा वर्गाकार तरंग। तो क्लॉक पल्स कैसी हो सकती है, या तो स्क्वायर वेव, या कैसी हो सकती है रेक्टेंगुलर। तो दिखती ऐसी है क्या ये वेव, तो इन्हें बोलते हैं पल्स, इन्हें क्या कहा जाता है पल्स, क्लॉक पल्स शॉर्ट में या पूरा बात करें तो। तो सभी लोगों ने ये वाली बात उतार ली होगी। अब इसमें कमी क्या रह गई कि जब दोनों इनपुट वन वन होते हैं तो कौन सी स्थिति आती है इनवैलिड स्टेट आती है, और इस स्थिति को दूर करने के लिए एक नया फ्लिप फ्लॉप बना था। हालांकि आईटीआई लेवल पर जो चर्चा होती है ज्यादातर केस में इस एक ही फ्लिप फ्लॉप की होती है, लेकिन मैं आगे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है पेपर डीएमआरसी का,
और UPPCL TG2 का, तो इनमें आपको टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप तक के बारे में भी जानकारी पूछी गई है। तो आप चाहे बेसिक चीज़ों को कम पढ़े, लेकिन जो चीज़ आवश्यक है एग्जाम पूछते हैं वो जरूर पढ़े, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगली बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जेके फ्लिप फ्लॉप, कौन सा फ्लिप फ्लॉप? जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, क्या है क्या नहीं है? तो पहली बात तो यह है कि ये जेके फ्लिप फ्लॉप हम काम में ले क्यों रहे हैं, क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप की जो इनवैलिड स्टेट है उसकी समस्या को दूर करने के लिए हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप काम में लेते हैं? JK फ्लिप फ्लॉप। तो इस बात को आप लिख सकते हो कि SR फ्लिप फ्लॉप की इनवैलिड स्टेट को दूर करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप काम में लेते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप काम में लेते हैं। दोस्तों किसी भी दोस्त को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी क्लास ऐप पर क्यों नहीं हो रही है, क्या है क्या नहीं हो रही है। आपकी जो भी क्लासें हैं मैं चाहे किसी भी माध्यम से पूरी करवाऊं, कंप्लीट करवाऊंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो मान लो वैलिडिटी 3 ही महीने की है, या मैं आपके लिए साल 1.5 साल तक मेंटेन रखूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को टेंशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में ना चलाएं, सिर्फ ये देखें कि हमें जो चीज़ के लिए बोला है वो चीज़ पढ़ाई जा रही है कि नहीं। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट किया, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कर रहे हैं, जो बचे हुए सारे टॉपिक्स किए जाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप है क्या, कि SR फ्लिप फ्लॉप की इनवैलिड स्टेट को दूर करने के लिए हमने कौन सा फ्लिप फ्लॉप बनाया? JK फ्लिप फ्लॉप। और JK फ्लिप फ्लॉप का अगर कोई पूरा नाम पूछे तो इसे बनाने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक जैक और दूसरा कौन था? केल्बी। कौन था दूसरा? केल्बी। तो दो वैज्ञानिक थे, JK और केल्बी ने यह फ्लिप फ्लॉप बनाया। कैसे बनाया? बच्चों वाला काम है, कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ कि हमने अभी कौन सा पढ़ा था? SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है वही फ्लिप फ्लॉप, बस एक छोटा सा परिवर्तन करना है। क्या? कि यहां पर मैं क्या ले लेता हूं? एक एंड गेट, और यहां पर भी क्या ले लेता हूं? एक एंड गेट। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर इनपुट, तो एक इनपुट तो हमको पता है कि हमारे पास में क्या है? S। और दूसरा कौन सा इनपुट है? R। अब क्या करें, एंड गेट के लिए तो कितने इनपुट चाहिए? 2। तो उस इनवैलिड स्टेट की स्थिति को दूर करने के लिए हम करते क्या हैं कि जो क्यू डैश है इसके आउटपुट को किसको दे देते हैं? इस वाले को, एंड गेट को। और जो क्यू का आउटपुट है इसे किसे दे दिया जाता है? इसे किसे दे दिया जाता है? हमारे R वाले इस परिपथ के साथ में। तो सिर्फ इतना परिवर्तन, मतलब Q बार को कहां पर दे दो? S वाले एंड गेट के साथ में, और Q को किसके साथ में दे दो? R वाले के साथ में, एंड गेट के साथ में। तो जो आपके इनवैलिड वाली स्थिति है वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों इस जगह ये जो शब्द है ये रिप्लेस होकर के यहाँ तो क्या हो जाएगा? J। और यहाँ पर रिप्लेस होकर के शब्द आ जाएगा क्या? K। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमने किस में परिवर्तन किया है? SR फ्लिप फ्लॉप में किया क्या है कि Q बार को तो हमने कहा दे दिया S पर, और Q को किस पे दे दिया? R पर। जिससे कि कौन सी स्थिति दूर हो जाएगी? इनवैलिड वाली स्टेट की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो ये बेसिक डायग्राम था कि दूर कैसे किया, कि Q बार को S से और Q को किससे? R से प्रदान करने पर। और ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा? अब JK फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। तो अगर मैं इसका तुल्य परिपथ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? बस कुछ भी नहीं है कि जहां पहले S और R लिख रहे थे उसकी जगह क्या लिख दोगे? J और K। और यहां पर क्या दे दी हमने दोस्तों? एक क्लोक दी है।
और ये आउटपुट क्या हो जाएगा क्यू एन, और ये हो जाएगा क्यू एन का बार। तो अब ये कौन से फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बन गया है, जेके फ्लिप फ्लॉप। लेकिन पूछे बना कैसे, तो कुछ एस आर फ्लिप फ्लॉप में इस प्रकार का परिवर्तन करने पर कौन सा बनता है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसको रिप्लेस करके क्या लिखा है, जे, और इसको रिप्लेस करके क्या लिखा है, के। आप एक बार यहां तक की बातों का स्क्रीनशॉट ले लें, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, यहां तक की बातों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे, समय खराब ना करें, क्योंकि तुमको पता है सिर्फ लेट करके देखने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि एग्जाम पास करनी है तो सिस्टम से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आने वाले समय में वैकेंसी भी आ रही है, तो आपको पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सभी लोगों ने ये वाली बातें उतार ली होंगी मेरे दोस्त, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, तो अब ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाते हैं अपन, इसके पे, और किस प्रकार की अब हमारी वो टेबल बनेगी, क्या इनपुट पर क्या होगा, तो ये सारी बातें अब हम चर्चा में लाएंगे। तो ओरिजिनल जेके फ्लिप फ्लॉप है वो यही तो है कि ये हो गया जे, और ये वाला इनपुट क्या हो गया के, और यहां पर मैंने क्या दे दिया, ये सी एल के का मतलब होता है क्लॉक पल्स, जो कि या तो वर्गाकार होती है या फिर आयताकार होती है, ठीक है। हाँ जी, एक इसका आउटपुट होता है दोस्तों क्यू एन, और इसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होता है दोस्तों क्यू एन बार। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप भली भांति जानते हो कि यदि ये जीरो होगा तो ये वन होगा, और यदि ये वन होगा तो ये क्या होगा, जीरो होगा। अब देखते हैं कि इसकी टेबल में क्या परिवर्तन हुआ है, इसकी टेबल में क्या परिवर्तन हुआ है, इस चीज को हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि क्या परिवर्तन होगा। तो जहां पर S और R थे उसकी जगह रिप्लेस क्या हो गया, J और K, और यहां पर किसके बारे में बात करेंगे, आउटपुट स्टेट, और आउटपुट स्टेट का मतलब नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या आएगा। तो देखो दोस्त, जीरो जीरो तो क्या स्थिति रहेगी, जो पहले था वो का वही रहेगा, मतलब स्थिति कौन सी है, होल्ड ऑन की स्थिति है कि बना कर रखेगा। तीन स्थिति वैसे की वैसी आएंगी जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि परिवर्तन किस में किया, केवल चौथी स्टेट जो हम इनवैलिड की बात कर रहे हैं। तो अगर ये जीरो और ये वन होगा तो ये क्या करेगा, इसे रीसेट करेगा, और यदि ये वन है और ये जीरो है तो इसको क्या करेगा, वन, इसे क्या कहते हैं हम, सेट। तो ये तीनों स्थिति क्यू एन जीरो और वन किसके जैसी हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप के जैसी हैं। अब बात करते हैं मुद्दे वाली और असली, और जो काम की है वो स्थिति है वन वन वाली, कि जब जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्या हो, वन वन हो, तो बेटा हमारे जो एस आर फ्लिप फ्लॉप था उसमें क्या आ रही थी, इनवैलिड स्टेट, और उसको ही दूर करने के लिए हमने क्या बनाया है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जब इसको वन वन देते हैं तो दोस्तों इसका आउटपुट आता है क्या है, क्यू एन बार। इसका आउटपुट क्या आएगा, क्यू एन बार, मतलब यदि क्यू एन का मान जीरो है तो ये मान आएगा वन, और यदि वन है तो ये क्या आएगा, जीरो। कहने का मतलब जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप को दोनों इनपुट कितने देते हैं, वन वन देते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, जीरो वन जीरो वन जीरो वन। और इस स्थिति को कहा क्या कहा जाता है दोस्तों, टॉगल। ये एग्जाम में 15 से 20 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट वन वन होते हैं तो क्या होता है, तो ये स्थिति होती है टॉगल की। टॉगल स्थिति का मतलब क्या हुआ कि यदि यदि क्यू एन का मान क्या दे रखा आपके पास में, जीरो, तो क्यू एन बार का मान कितना आएगा, वन, और यदि क्यू एन का मान दे रखा है वन, तो क्यू एन बार का मान क्या आएगा, जीरो। कहने का मतलब हमारी जो स्थिति है वो वन जीरो वन जीरो वन जीरो परिवर्तित होती रहेगी, और यही स्थिति क्या कहलाती है, टॉगल स्टेट कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है, टॉगल स्टेट। तो ये वाली लाइन अपन नोट करके भी लिखेंगे कि जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट वन वन होते हैं तो टॉगल स्टेट प्राप्त होती है। तो मैं इस बात को यहां लिखता हूं नोट करके कि जब, देखो साथ के साथ में उतारते भी चलो मैं, क्योंकि इतनी तेज गति से नहीं पढ़ाता हूं, जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट
वन होते हैं तो जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट वन होते हैं तो टॉगल स्टेट, कौन सी स्टेट प्राप्त होती है? टॉगल स्टेट प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आउटपुट 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0 होता रहेगा और यही स्टेट क्या कहलाती है? टॉगल स्टेट कहलाती है। प्लीज कीप इन माइंड, दिमाग में रखो कि जब भी 1-1 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा? क्यूएन बार, और क्यूएन बार का मतलब है टॉगल स्टेट। 0 देंगे तो 1 और 1 देंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें? 0 प्राप्त होता है। तो जब दोनों इनपुट 1 होंगे ना तो ही टॉगल होगा, अन्यथा टॉगल वाली कंडीशन नहीं आएगी। ओके, तो ये वाली बात है, आप जेके फ्लिप फ्लॉप की इतनी बात उतारो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। मैं साइड में भी हो जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड के लिए मैं बाहर हूँ। हाँ जी, अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बाद में प्रॉपर तरीके से और भी उतार लेना, ठीक है ना? हाँ जी, तो सभी ने शायद, मैं आशा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जेके फ्लिप फ्लॉप वाली कंडीशन भी हमारे पास में क्या थी? वो दूर हो गई है, ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन क्या थी? वो भी दूर हो गई है। अब बात करते हैं नई वाली स्टेट, और जिसमें हम नए फ्लिप फ्लॉप की चर्चा करेंगे, और वो चर्चा कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? वो चर्चा है टी फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप? टी फ्लिप फ्लॉप। और ध्यान रखना, टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ दो लाइनें हैं, अगर कोई विद्यार्थी समझने की कोशिश करेगा तो, कि ये टी फ्लिप फ्लॉप किस बला का नाम है, किस बीमारी का नाम टी फ्लिप फ्लॉप है। तो टी फ्लिप फ्लॉप में कोई पूछे कि टी का मतलब क्या है, तो टी मीन्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों टॉगल। तो गुरुजी, टॉगल तो हमने 2 मिनट पहले ही पढ़ा है, तो टॉगल का मतलब क्या है? तो टॉगल का मतलब क्या हो गया? एक मिनट रुकिए जरा। फालतू क्यों खराब कर रहे हो? टॉगल की तरह कर रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ जी, देखो बीच में कोई डिस्टरबेंस हो गया था। हाँ, तो टी फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है टॉगल। टी फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब होता है? टॉगल। और टॉगल का मतलब क्या होता है? आउटपुट 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 और 1 से 0 होता रहेगा, यही होता है क्या टॉगल स्टेट के अंतर्गत? तो मेरे दोस्त, टॉगल स्टेट आती कब है? कि जब दोनों इनपुट क्या हो? 1-1। तो 1-1 का मतलब क्या हुआ? कि 1-1 का तात्पर्य क्या हुआ? कि यदि मैं टी फ्लिप फ्लॉप यदि मुझे बनाना है तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बच्चों का काम है। देखो कैसे करना है कि टी फ्लिप फ्लॉप बनाए तो कैसे बनाए, देखिए जरा कि जब टी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं तो करते क्या है। तो देखिए कि यह हो गया मेरा जेके फ्लिप फ्लॉप, ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? जे। और ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? के। तो जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ दिया जाए, जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जवाब आएगा हमें टी फ्लिप फ्लॉप प्राप्त होता है। टी का मतलब टॉगल। तो देखो टॉगल में क्या आउटपुट आ रहा था, मतलब अगर मेरे पास में ये टी फ्लिप फ्लॉप है और मुझे नेक्स्ट स्टेट देखनी है, तो हमने देखा क्या था? हमने अभी देखा क्या था कि जब 1-1 होता है तो क्यूएन बार होता है। क्या होता है? 1-1 होता है तो क्यूएन बार होता है। कहने का मतलब मैं यहां पर क्या दूंगा, अगर मैं यहां पर क्या दे रहा हूं? 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। 0 का मतलब ये क्या करेगा? क्योंकि यह भी 0 और यह भी 0, तो जब जे और के दोनों 0 होंगे तो ये क्या करेगा? होल्ड करेगा। और जब मैं इसे क्या दूंगा दोस्तों? 1 दूंगा। और जब मैं इसे क्या दूंगा? 1 दूंगा, तो ये क्या करेगा? टॉगल करेगा। अतः जब मैं इसे 1 दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगी स्थिति? Qn बार वाली स्थिति आएगी कि नहीं आएगी? क्या अभी चर्चा यही की थी भाई, 0-0 का मतलब क्या हो जाएगा? ये होल्ड पर रहेगा, और ये भी 1 और यह भी 1, तो इसका मतलब ये टी फ्लिप फ्लॉप बन गया कि नहीं बन गया? तो अगर सिंपल डायग्राम बनाऊं टी फ्लिप फ्लॉप का तो कुछ ऐसा ही बनेगा कि ये टी हो गया, ये Qn हो गया और ये Qn बार हो गया। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप बन गया।
ठीक है ना। तो टी फ्लिप फ्लॉप बनाते कैसे हैं कि जब जे और के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को सीधा जोड़ दिया जाए और इनको जब हम जीरो इनपुट देंगे तो आउटपुट जीरो और वन देंगे तो कौन सी स्थिति आती है, टॉगल वाली स्थिति आती है। तो आप लोगों को ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी कि टी फ्लिप फ्लॉप बनाते कैसे हैं, तो जब जे के फ्लिप फ्लॉप को दोनों इनपुट को क्या कर दें हम सीधे जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, टी फ्लिप फ्लॉप। तो जब जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ दिया जाए तो टी फ्लिप फ्लॉप का निर्माण होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का निर्माण होता है। तो आपको यह वाली बात प्राप्त हो गई होगी कि जीरो देंगे तब तो यह क्या करेगा, होल्ड। सब कैसे होल्ड करेगा, क्योंकि देखो यह भी जीरो और यह भी जीरो, और जीरो जीरो पे मैंने बताया था कि हमारे पास में जे के फ्लिप फ्लॉप में कौन सी स्थिति आती है, होल्ड की। लेकिन जब दोनों वन, यह भी वन और यह भी वन, क्योंकि सीधा जोड़ा हूं तो अगर यहां पर बन जाएगा तो यहां भी वन और यहां भी वन ही तो जाएगा। तो जब वन वन होगा तो ये क्या करेगा, टॉगल, जीरो का वन और वन का क्या करेगा, तो जीरो। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप की और जानकारी ले लेते हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा था कि डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम डी फ्लिप फ्लॉप की चर्चा करेंगे। ठीक है भाई दोस्त, जल्दी से करें जरा। हाँ जी, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। हाँ जी, शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी दोस्तों ने, आगे बढ़े। हाँ जी, तो अब कौन सा बनाना है, डी फ्लिप फ्लॉप, कौन सा, डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है, एग्जाम में पूछ ले कि डी फ्लिप फ्लॉप बनाते कैसे हैं, तो इसकी जानकारी जरा इधर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इधर देखो आप सभी दोस्त, इस तरफ देखिए जरा। तो ये मेरे पास में क्या है, मान लो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, एस आर, जिसका एक आउटपुट क्या है, क्यू एन, और दूसरा आउटपुट क्या है, क्यू एन बार। तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास में मेरे दोस्तों, तो ये फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास में एस आर फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये हमारी क्लॉक पल्स है। अब मैं क्या करता हूँ वास्तविकता में, कि यदि डी फ्लिप फ्लॉप मुझे बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, एक नॉट गेट, क्या लगा दो यहाँ पर, एक नॉट गेट, और यहाँ से क्या प्रदान कर दो, इनपुट प्रदान कर दो। तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप। डी शब्द का मतलब होता है डिले फ्लिप फ्लॉप, डी का मतलब क्या होता है, डिले फ्लिप फ्लॉप, या इसी का एक दूसरा नाम और होता है, डेटा फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है दूसरा नाम, डेटा फ्लिप फ्लॉप। तो गौर करना, डी का मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप या डाटा फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप हम बोलते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, कि दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ना है, लेकिन जोड़ना किसकी सहायता से है, नॉर गेट की सहायता से जोड़ना है। तो नॉर गेट की सहायता से इस प्रकार से जोड़ूंगा तो इसका तुल्य परिपथ बनेगा क्या, तो इसका तुल्य परिपथ कुछ इस प्रकार का बनेगा मेरे दोस्त, कि एक ये जुड़ गया और दूसरा जुड़ किससे रहा है, नॉट गेट की सहायता से, और ये कहलाता हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। एक क्यों आएगा, क्यू एन, और एक आएगा क्यू एन बार। तो दोस्तों, और ये क्या दे दी हमने यहाँ पर, एक क्लॉक। सुनो, होता क्या है कि यहाँ पर भी हम एक ही इनपुट तो दे रहे हैं जो दो जगह विस्थापित हो रहा है, जैसे टी में एक जगह इनपुट दे रहे थे और दो जगह जा रहा था। हाँ जी, तो देखो जरा कि यदि मैं डी का मान क्या रखूंगा, जीरो, तो मुझे बताओ डी का मान जीरो रखूंगा, अगर मैं जीरो रखूंगा तो जीरो यहां जाएगा और वन कहां पर चले जाएगा, यहां, क्योंकि ये क्या है, नॉट गेट, और नॉट गेट क्या करता है, उल्टा इन्वर्टर का काम करता है, जीरो का वन और वन का क्या कर देता है, जीरो। तो हम जानते हैं कि जब रीसेट पे वन आएगा, जब रीसेट पर वन आएगा तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। और यदि मैं यहां पर अब कितना दे दूं इनपुट, एक,
तो एक ही आ जाएगा, लेकिन यहां पर कितना जाएगा? जीरो। तो जब सेट पर एक चले जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा? एक। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये फ्लिप फ्लॉप करता कुछ नहीं है, जीरो का जीरो ही जाने देगा, वन का वन ही जाने देगा, बस आउटपुट में क्या प्रदान कर देता है? कुछ डिले प्रदान कर देता है। कहने का मतलब आउटपुट किसको फॉलो करता है? इनपुट को। कि आउटपुट जीरो है तो इनपुट भी क्या है? जीरो है। आउटपुट वन आएगा कब? जब इनपुट क्या होगा? वन। कहने का मतलब यह फ्लिप फ्लॉप या इस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट इनपुट को क्या करता है? फॉलो करता है। फॉलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुसरण करता है। अनुसरण करने का मतलब क्या है कि यदि हम इनपुट पर जीरो देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। और यदि इनपुट पर वन देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। दोस्तों इससे ज़्यादा आईटीआई जहाँ तक कि डिप्लोमा लेवल पर भी नहीं पूछता है। तो ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। इससे पहले कि जो आपकी सारी क्लासें हैं वो ऐप पर अवेलेबल है, ऐप पर आप वहाँ देख सकते हो। 3 महीने तक आपको वहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है। बाकी की अभी मैं और व्यवस्था आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इन चीज़ों पर डिस्कस ना करके सिर्फ ये चर्चा करें कि क्लासें हो रही है कि नहीं। तो अभी आपकी जो कुछ क्लासें हैं वो यूट्यूब पर होगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आईटीआई लेवल पर तुम देखना, यूट्यूब पर भी वीडियो उठा करके देखोगे तो फ्लिप फ्लॉप के वीडियो, आईटीआई लेवल पर शायद ही कोई वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई बातें चल रही है उन सबको छोड़ो, सिर्फ आपको क्लास पर फोकस करना है। लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, हमारे पास में सीमित संसाधन है और सीमित संसाधनों से हम आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो टॉपिक लेकर के आएंगे वो टॉपिक लेकर के आएंगे रजिस्टर और काउंटर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सुनने के लिए थैंक यू।